बैंगलोर में क्या आपने ये डोसा प्रिंटर देखा है? आपको इस मशीन के साथ करना क्या है, बस बैटर डालना है मशीन के अंदर। आपको कुकिंग टाइम सेलेक्ट करना है 60 सेकंड्स 80 सेकंड्स, अगर ज्यादा रोस्ट चाहिए तो, फिर रोटेट एंड प्रेस। एंड राइट साइड में आपको थिकनेस दिख रहा होगा, आपको डोसा की थिकनेस सेलेक्ट करनी है। 2 मिनट लगता है प्री हीट होने में, जैसे हमारा डोसा का तवा प्री हीट होता है ना, बस वैसे ही। फिर ऑटोमेटिकली ये डोसा का प्रिंटर बैटर उसके ऊपर डाल देता है। उसके बाद आप जब डोसे पे घी या तेल लगाते हो ना, बस ऐसे ही आपको घी या तेल डालना है इसमें। मैंने 80 सेकंड्स रखा था, बिकॉज मेरे को ना क्रिस्पी क्रिस्पी वाला डोसा अच्छा लगता है। और ये देखो, प्रिंटर से डोसा निकल गया। अब चलो इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। सो जैसे हमारे तवे पे डोसा बनता है ना, बस वैसे ही था, बहुत ज्यादा यम्मी और क्रिस्पी था। आई होप यू कैन लिसन टू द क्रिस्पीनेस। बट ऑनेस्टली आई वुड स्टिल प्रेफर द रेगुलर डोसा तवास, बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है।